हेलो दोस्तों, क्या हाल है भाई? सब बढ़िया। तो चलिए, आज के सेशन में हम लोग देखने वाले हैं डेली क्विज के अंतर्गत उसका पार्ट 13। और पार्ट 13 जो होगा, इसमें हम लोग टोटल 9 क्वेश्चन सीडीएस के देखेंगे। अच्छे लेवल के जो क्वेश्चन सीडीएस 2018 में पूछे गए थे, उसके क्वेश्चंस को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, कुछ ऐसा नहीं कि कैट लेवल के क्वेश्चन ले रहे हैं या जो भी ले रहे हैं, हम लोग सीजीएल मेंस के इर्द गिर्द वाले क्वेश्चन ले रहे हैं। सीजीएल मेंस से एक लेवल तक ऊपर जाना जरूरी है। यदि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो एक लेवल ऊपर तक जरूर कीजिए, ताकि एग्जामिनेशन हॉल में यदि आप बैठे तो जब आपके पास प्रश्न आए आपके स्क्रीन पे, तो आपको ये ना लगे कि पूरा आउट ऑफ द ब्लू कुछ ऐसा कुछ है, आउट ऑफ द बॉक्स कुछ पूछा गया है। तो प्रैक्टिस जरूर एक लेवल ऊपर करना। और ऐसा नहीं कि लोग लगे हुए हैं कैट के, जेट का, मैट का, ये सब का क्वेश्चन लगाने में, इतना जरूरी नहीं है। सीजीएल की अपनी एक लिमिट है, अपनी एक सीमा है, वो सीमा कभी भी सीजीएल क्रॉस नहीं कर सकता है। उसी में आपको जितना काम करना है कॉन्सेप्ट पे काम कीजिए, रैदर देन वर्किंग ऑन दिस क्या बोलते हैं सी मैट या जो भी होता है कैट फैट का, बहुत हार्ड लेवल का। हाँ, कैट का बहुत सारे क्वेश्चंस कॉमन जरूर है, बट बहुत हार्ड लेवल में जाने की कोई जरूरत है नहीं। तो यदि आपको मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए। नहीं लग रहा है कोई बात नहीं है, आप खुश हैं तो हम भी खुश हैं। यदि आप आईजी ट्यूटोरियल्स को उसके काम के लिए कुछ आर्थिक रूप से सहायता करना चाहते हैं, तो आपके स्क्रीन के ऊपर पूरा पेमेंट का मेथड डिटेल्स जो है डिस्प्ले हो रहा होगा। यदि आपको फ़ायदा हो रहा है, यदि आप चाहते हैं यदि डोनेट करना, तो आप कर सकते हैं। जो भी जितना भी अपनी स्वेच्छा से यदि चाहते हैं तो कर सकते हैं। तो चलिए, विदाउट एनी फर्दर एडू, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो हम लोगों का पहला क्वेश्चन जो है, पहला क्वेश्चन बोल रहा है, सीडीएस का क्वेश्चन पूछा हुआ है। इसमें थोड़ा सा मैंने अपनी तरफ से जस्ट मॉडिफाई किया हूं। क्या क्वेश्चन है कि एक द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इस प्रकार है कि जब इसे एक्स कॉमा एक्स माइनस वन कॉमा एक्स प्लस वन से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्रमशः 3, 6 और 4 आता है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी सी का मान ज्ञात करें। तो इसको समझाने के लिए मैंने अलजेब्रा में, पॉलिनोमियल में, इवन रिमाइंडर थ्योरम में पूरे डिटेल में बताया हूं कि कोई भी पॉलिनोमियल है, यदि आप एक्स माइनस बी इससे सपोज डिवाइड कर रहे हैं, तो यहां पे आपको कुछ ना कुछ जो है कुछ ना कुछ कोशियंट आएगा और कुछ ना कुछ मान लीजिए कि रिमाइंडर आता है। तो इसको आप पी को इस तरह से लिख सकते हैं, क्या एक्स माइनस बी इंटू जो भी भागफल आया है प्लस रिमाइंडर। अब देखिए, यदि एक्स बराबर बी उस पॉलिनोमियल में डालेंगे तो ए वाला टर्म तो जीरो हो गया। इसका मतलब कि पी का वैल्यू क्या आ जाएगा, आर। कब? जब एक्स का वैल्यू आप बी डालेंगे। मतलब कि कोई भी फैक्टर को बराबर जीरो करके उसका जो वैल्यू आता है उसी बहुपद में यदि डालेंगे तो आपको वो शेषफल देगा। ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, उसी कॉन्सेप्ट को यहां पे यूज करना है। क्या कॉन्सेप्ट है? पॉलिनोमियल्स आपको दिए गए हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब बोला है कि एक्स से जब भाग देते हैं तो शेषफल क्या आता है, 3। एक्स माइनस वन से भाग देते हैं तो शेषफल 6। एक्स प्लस वन से भाग देते हैं तो शेषफल 4। इसका कहने का मतलब क्या हुआ कि एक्स का वैल्यू यदि जीरो रखो तो पॉलिनोमियल का वैल्यू क्या आना चाहिए, रिमाइंडर के बराबर, यानी कि 3 आना चाहिए। तो एक्स का वैल्यू जीरो रखिए तो सी का वैल्यू यहां पे 3 आ गया। दूसरा है कि x माइनस वन पे रिमाइंडर 6 है, यानी कि x बराबर 1 पे रखने पे पॉलिनोमियल का वैल्यू क्या आना चाहिए, 6। तो इसमें 1 का वैल्यू रख दीजिए, x का वैल्यू 1, तो a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू क्या आ गया, 6 आ गया। c का वैल्यू 3 रखेंगे तो a प्लस बी कितना आ जाएगा आपको, 3 आ गया। फिर तीसरा, x प्लस वन से विभाजित करने पे 4, यानी कि x का वैल्यू माइनस वन रखिए, x का वैल्यू माइनस वन पॉलिनोमियल में रखेंगे तो क्या आ जाएगा, ए माइनस बी प्लस सी बराबर 4। इसका मतलब कि सी का वैल्यू 3 रख देंगे तो ए माइनस बी का वैल्यू कितना आ जाएगा, 1 आ गया। अब देखिए, ए प्लस बी 3 है, ए माइनस बी 1 है। इसका कहने का मतलब कि ए का वैल्यू कितना आ जाएगा, 2, बी का वैल्यू कितना आ जाएगा, 1, और सी का वैल्यू कितना है, 1। ए का वैल्यू सी का वैल्यू सॉरी 3 है।
अब आपको निकालना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी सी। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9 4 13 1 14 माइनस ए बी सी का वैल्यू 3 2 6 यानी कि 14 - 6 8। तो इस क्वेश्चन का वैल्यू क्या आ जाएगा, आंसर 8 आ जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो ये ज़्यादा देर का क्वेश्चन नहीं था, 30 सेकेंड्स हार्डली लेने वाले क्वेश्चन थे। क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या बोला है कि ईच साइड ऑफ ए स्क्वायर सबटेंस एन एंगल 60 डिग्री एट द टिप ऑफ ए टावर ऑफ हाइट h मीटर स्टैंडिंग एट द सेंटर ऑफ द स्क्वायर। यानी कि इस स्क्वायर के सेंटर में वर्टिकली एक कोई क्या रखा गया है, टावर है, और वो टावर के साथ जो है वर्टिकली ऊपर तक एक टावर है। तो वर्टिकली मान लेते हैं कि यहाँ तक एक टावर, ये वर्टिकली है, 2D में दिखाना थोड़ा सा मुश्किल है, समझ जाइएगा ये वर्टिकली है। अब बोला है कि सारे के सारे फेस जो है इसके साथ क्या लगा रहा है, 60 डिग्री का एंगल उसके टिप के साथ बना रहा है। इसका मतलब, और स्क्वायर का साइड क्या दिया है, इफ द लेंथ ऑफ ईच साइड्स ऑफ द स्क्वायर ए दिया गया है तो फाइंड द वैल्यू ऑफ एच स्क्वायर। अब आपको एक चीज देखना है कि इस टावर का हाइट h दिया गया है, यदि इसका लेंथ a है तो a भी a, a भी a। इसका मतलब कि जो इसका लेंथ निकालेंगे, तिर्यक ऊंचाई यदि आप निकालेंगे तो वो कितना आ जाएगा, रूट अंडर 3/2 गुने भुजा का स्क्वायर, क्योंकि समबाहु त्रिभुज बनेगा ये हर एक फेस से टिप, टावर के टिप पर। अब आपका क्वेश्चन किस तरह से आ गया, क्वेश्चन अब आपको आ गया कि अब आपको निकालना है एच स्क्वायर का वैल्यू, तो वो कैसे निकालेंगे आप। और निकालने के लिए आपको यहां पे एक चीज सही से दिख रहा होगा कि आप जो ऐसे जाएंगे साइड के साथ से तो मिडिल में है, यानी कि a बटा 2 साइड्स पे है, वर्टिकली एक टावर खड़ा हुआ है, तो वर्टिकली एक टावर खड़ा हुआ है h ऊंचाई का, इतना तक तो आप क्लियर है। फिर आपको a वाला जो तिर्यक ऊंचाई, जो कि हर एक फेस की तिर्यक ऊंचाई होगी, वो कितना है, रूट अंडर 3/2 × a। अब आप यहां से यदि गौर से देखेंगे तो एच स्क्वायर, ये तो आपका राइट ट्रायंगल हो गया, प्लस ए स्क्वायर बाई 4 बराबर क्या हो जाएगा, 3a² / 4। अब देखिए एच स्क्वायर का वैल्यू क्या आ जाएगा, 3a² में से ए स्क्वायर जाएगा 2a² / 4, यानी कि एच स्क्वायर का वैल्यू आ गया आपको a² / 2। तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा ही गया है क्या एच स्क्वायर का वैल्यू, तो एच स्क्वायर का वैल्यू क्या आ जाएगा, a² / 2। ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो मैं फिर से एक बार बता दूं कि चाहे ये वीडियो हो या कोई भी रिवीजन वाला वीडियो हो, डेली क्वांट का वीडियो हो, उसमें आप हमेशा क्या कीजिए, जब भी आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन आए वीडियो को पॉज कीजिए, आप खुद से ट्राई कीजिए, ठीक है। जब तक आप खुद से ट्राई नहीं करेंगे आपको पता नहीं कि आप कहाँ पे कॉन्सेप्ट वाइज लैग कर रहे हैं, तो खुद से जरूर ट्राई कीजिए क्वेश्चन का, उसके बाद मेरा सॉल्यूशन आप देखिए। चाहे मैं उस वीडियो में बोलूं या ना बोलूं वीडियो पॉज करने के लिए, लेकिन आप जरूर ऐसा एक प्रैक्टिस बना लीजिए, चाहे मेरा वीडियो या किसी भी टीचर का वीडियो आप देख रहे हैं, यदि वो प्रैक्टिस सेशन है, क्वेश्चन जब भी स्क्रीन पे आए पॉज कीजिए, आप ट्राई कीजिए, हो सकता है पहली बार में 2 मिनट 3 मिनट ले, डजेंट मैटर, ये आपको बहुत फायदा करेगा एट द एंड जब आप एग्जामिनेशन हॉल में जाएंगे। केवल टीचर्स का सॉल्यूशन देखने से आपको ज्यादा फायदा नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड बोला है कि एच इकाई की ऊंचाई से एक व्यक्ति देखता है कि एच ऊंचाई वाला एक टावर के शीर्ष और तल का क्रमशः उन्नयन कोण और अवनमन कोण जो है अल्फा और बीटा दिया गया है, उसे आगे और कितना चढ़ना होगा ताकि टावर के शीर्ष और तल का उन्नयन कोण और अवनमन कोण का मान अंतर बदल हो जाए, यानी कि इंटरचेंज हो जाए। अब एच ऊंचाई का एक कोई यहां से कोई एक व्यक्ति देख रहा है, पूरे वर्टिकल टावर की ऊंचाई एच है, ठीक है, यहां तक क्लियर। अब इससे उसके शीर्ष का जो बोला गया है उन्नयन कोण अल्फा है और अवनमन कोण बीटा है। अब बोला है कि इस एच ऊंचाई से और ऊपर कितना चढ़ा, तो मैंने यहां पे थोड़ा सा ऊपर चढ़ा दिया ताकि जो है एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन आपस में इंटरचेंज हो जाए, यानी कि अब जो है ई वाला वैल्यू बीटा आ जाए, ए वाला वैल्यू अल्फा आ जाए। तो हमने एच वाले हाइट को एक्स मीटर मान लेते हैं कि ऊपर चढ़ाया, यहां तक तो क्लियर है आप सबको। अब देखिए आपको करना क्या है, यदि इतना हाइट एच है तो ए वाला भी हाइट क्या होगा आपका एच, तो इतना वाला जो हाइट आपका ऊपर वाला है वो क्या हो जाएगा एच माइनस स्मॉल एच। सिमिलरली
पूरा हाइट h है और a वाला h प्लस x दिया गया है आपको, तो आप देखिए आपको करना क्या है इसमें। और यदि आप यहाँ पे 30 और 60 डिग्री लेंगे तो यहाँ पे एक कंडीशन आपके क्वेश्चन में दे दिया गया है कि जो बड़े वाले हाइट है टावर का, वो टावर जो है चौगुनी हाइट से जरूर ज़्यादा है। तो यहाँ पुट दी वैल्यू गेट दी आंसर वाला बात नहीं कर सकते हैं, आपको अल्फा बीटा से जाना पड़ेगा। यदि आप यहाँ पे 30 और 60 डाल के देखेंगे तो एग्जैक्टली जो है बड़े वाले का हाइट छोटे वाले का एग्जैक्टली 4 गुना होगा, लेकिन यहाँ पे बोल रहा है एच मस्ट बी ग्रेटर देन 4h, यानी कि स्मॉल h से चौगुना से जरूर ज्यादा होना चाहिए। अब आप आइदर अल्फा वाले टर्म को दोनों में इक्वेट कर लीजिए या बीटा वाले टर्म को इक्वेट कर लीजिए, आपका आंसर आराम से आ जाएगा। तो हमने चलिए अल्फा वाले से ले लेते हैं। तो इस वाले फिगर में टैन अल्फा का वैल्यू आप क्या बोल सकते हैं, h माइनस एच, इतना तक क्लियर है, बटा आपको क्या करना है आधार निकालना है। तो मान लेते हैं कि दोनों टावर के बीच की दूरी a दिया गया है, तो बटा में क्या आ जाएगा a। सिमिलरली पूरा हाइट h है और इतना हाइट h प्लस x है, यानी कि इतना हाइट क्या हो जाएगा h माइनस x आ जाएगा। तो यहाँ से आप tan अल्फा भी निकाल सकते हैं, हालांकि इसकी ज़रूरत नहीं है। यदि इस फिगर में tan अल्फा आप निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, लंब बटे आधार, यानी कि h प्लस x बटा में इस लेंथ को तो आपने a लिया है तो बटा में a, दोनों को आप इक्वेट कर दीजिए तो h माइनस एच बराबर h प्लस एक्स, a और a तो कैंसिल आउट हो जाएगा, इसका मतलब कि x का जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगा, कैपिटल h माइनस 2h। तो आपसे पूछा क्या गया था, आपसे पूछा ही गया था कि उसे आगे और कितना ऊपर चढ़ना होगा, यानी कि आपने इससे क्या किया है, एक्स हाइट ही तो ऊपर चढ़ाया है, ए वाला हाइट एक्स ही तो ऊपर चढ़ाया है, एक्स का वैल्यू क्या आ गया एच माइनस टू एच। तो इसका मतलब कि ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन बहुत ईजी था, बस आपको समझना था कि किस अप्रोच में इसको जाना है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ एक्चुअली में बहुत इजी क्वेश्चन है। मैंने इसका पूरा कॉन्सेप्ट ज्योमेट्री में भी सिमिलैरिटी कॉन्स्टेंट बताया था कि किसी भी 3D फिगर में यानी कि कोण में जब आपको सिमिलैरिटी लगाना है तो उसका प्रॉपर्टी बताया है कि एरिया प्रॉपर्टी क्या होगा, साइड के सिमिलैरिटी कॉन्स्टेंट के स्क्वायर के बराबर, वॉल्यूम प्रॉपर्टी क्यूब के बराबर होता है। जस्ट वही एक कॉन्सेप्ट यहाँ पर लगेगा, वर्बली आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। यदि आप वो वाला वीडियो यदि मेरा आप नहीं देखे हैं तो उसका लिंक मैं आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा। क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि एक लंब वृत्तीय शंकु को उसके अक्ष पर लंबवत एक तल के द्वारा एक छोटे शंकु और शंकु के छिन्नक में काटा जाता है, यानी कि एक स्मॉल जो है शंकु, यानी कि इस तरह से काटा गया तो ऊपर वाला तो एक स्मॉल शंकु हो गया, नीचे वाला एक फ्रस्टम हो गया। बोला है कि छोटे शंकु और शंकु के छिन्नक का आयतन का अनुपात 64, ऊपर वाला का आयतन 64 और नीचे वाला का 61 है, यानी कि पूरे शंकु की यदि आयतन की बात किया जाए तो आप बोल सकते हैं 6 6 12, यानी कि 125 है पूरे कोण का वॉल्यूम। अब देखिए इसमें आपको करना क्या है, अब इसमें आपको करना है कि वॉल्यूम 64 दिया गया है, बड़े वाले का वॉल्यूम 125 दिया गया है, यानी कि जो लेंथ रेशियो होगा, लेंथ रेशियो जो सिमिलैरिटी कांस्टेंट में हो वो क्या हो जाएगा, 4/5 का हो जाएगा। छोटे वाले का लेंथ आइदर रेडियस हो या हाइट हो या तिर्यक ऊंचाई हो, यदि छोटे वाले का रेडियस ये सब लेंथ 4 है तो बड़े वाले का 5 हो जाएगा। ये तो आपको एकदम सही सही दिख रहा है, इसका मतलब कि इसका लेंथ यदि 4 है तो बड़े वाले का 5, इसका मतलब कि इतना लेंथ 1 है। लेंथ का रेशियो, सिमिलैरिटी लेंथ रेशियो कहने का मतलब है मेरा वो रेडियस में भी होगा, वो हाइट में भी होगा, वो स्लैंट हाइट में भी होगा। अब आपसे पूछा क्या गया है तो उनके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात निकाले। क्षेत्रफल यानी कि एरिया, एरिया हमेशा क्या होता है, किसी भी लेंथ का स्क्वायर होता है। तो लेंथ का स्क्वायर का रेशियो यदि निकाला है तो आपका पहला जो लेंथ है छोटा वाला लेंथ वो क्या हो जाएगा, 4 का स्क्वायर, और बड़े वाले शंकु में लेंथ क्या है, 5, यानी कि 5 का स्क्वायर, तो ये क्या आ जाएगा, 16/25। लेकिन आपसे पूछा गया क्या गया है, एरिया किसका, बड़े वाले जो छोटे वाला शंकु है उसका और इस फ्रस्टम का।
तो छोटे वाले शंकु का एरिया 16 आ गया और पूरे शंकु का एरिया 25 है, यानी कि फ्रस्टम का एरिया क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा, तो एरिया का रेशियो आपको कितना आ जाएगा 16/9, यही रेशियो हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन का जो पूरा पूरा कॉन्सेप्ट है, डिटेल्ड कॉन्सेप्ट मैंने जियोमेट्री सिमिलरिटी जब पढ़ा रहा था तब भी बताया हूँ, उसके बाद मेंसुरेशन में भी बताया हूँ। एनीवे मैं उसका लिंक, यदि आप लोग नहीं देखे उस वीडियो को तो लिंक मैं आपको वीडियो के नीचे जरूर प्रोवाइड करा दूंगा। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोला है कि इफ द रेशियो ऑफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ द बेस ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन ऑफ रेडियस आर टू इट्स हाइट इज 3:1 देन व्हाट इज द एरिया ऑफ द कर्व सरफेस ऑफ द कोन। अब आपको एक कोन दिया गया है, इस कोण में आपको क्या बोला है कि बेस का जो सर्कमफ्रेंस है यानी कि सर्कमफ्रेंस और हाइट जो एच है उसका रेशियो 3:1 दिया गया है, तो सर्कमफ्रेंस क्या हो जाएगा 2πr/h = 3/1। इसका मतलब कि आप एच का वैल्यू क्या निकाल सकते हैं 2πr/3 निकाल सकते हैं। अब आपको एच निकल गया तो आपसे पूछा गया है कर्व सरफेस एरिया, किसी भी शंकु का कर्व सरफेस एरिया क्या होता है पाई आर एल, यानी कि तिर्यक ऊंचाई की जरूरत पड़ने वाली है। तो अब देखिए ए हाइट आपको पता चल गया, ए रेडियस आपको पता चल गया, तो एल आप निकाल सकते हैं, एल स्क्वायर क्या हो जाएगा अंडर रूट ऑफ, यदि एल निकाल लेते हैं तो अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर का वैल्यू, एच का वैल्यू 2πr/3 है तो एच स्क्वायर क्या हो जाएगा 4πr/9। तो एल का वैल्यू आप यहां से निकाल सकते हैं, क्या आ जाएगा आपको 9r²+4πr²/9 चला गया बाहर रूट के तो 3 आ जाएगा। अगेन आप इसमें से r बाहर निकाल सकते हैं तो r/3 अंदर में क्या बच जाएगा 9+4π²। अब आपसे पूछा गया है कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया क्या हो जाएगा पाई आर एल, रख दीजिए उस वैल्यू को तो पाई आर इंटू आर बटा थ्री यानी कि पाई आर स्क्वायर बटा में 3, अंदर में आपको क्या बच जाएगा 9+4π²। कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है पाई आर स्क्वायर बटा 3, ऑप्शन ए और बी तो गया पाई आर स्क्वायर बटा 3, 9+4π² सी भी गया, मतलब कि आपका ऑप्शन डी एग्जैक्टली करेक्ट ऑप्शन है। बहुत इजी क्वेश्चन था बट आपसे इसमें पूरा कॉन्सेप्ट जो है शंकु का एक ढंग से इजी वे में ही पूछ जरूर लिया है। क्वेश्चन नंबर 6, छठा क्वेश्चन बहुत इजी पूछा गया है, बोला है कि नीचे दर्शाए गए चित्र में पी क्यू आर समांतर रेखा है, यानी कि ये तीनों रेखाएं जो है समानांतर है, और L और M दो तिर्यक छेदी रेखाएं हैं यानी कि ट्रांसवर्सल लाइंस L और M दिए गए हैं यहाँ पे। चलिए आगे बोला जा रहा है आपसे कि निम्नलिखित पर विचार कीजिए। अब आपको यहाँ पे जो है साइड रेशियो किसी भी ट्रांसवर्सल लाइन में, यदि आप चाहते हैं इसका लिंक मैं वीडियो में प्रोवाइड करा दूँ नीचे डिस्क्रिप्शन में, तो इसका भी लिंक प्रोवाइड करा दूँ। बहुत इजी क्वेश्चन है, वर्बली ये सारे क्वेश्चंस जो है ये दोनों स्टेटमेंट्स को आप वेरीफाई कर सकते हैं, तो इसका भी लिंक मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। क्या बोला है AB बटा AC यानी कि पूरा लेंथ, DE/DF यानी कि इतना बटे DF पूरा लेंथ सेटिस्फाई कर रहा है, ये रेशियो हमेशा सही होता है। AB × EF AB × EF = BC × DE। अब इसको आप ऐसे ही बोल सकते हैं AB/BC = DE/EF। अब ए इजी हो गया, अब आपको देखिए AB/BC = DE/EF का, यस ए भी स्टेटमेंट सही है, इसका मतलब कि बोथ स्टेटमेंट जो है यहाँ पे सही है, बोथ 1 और 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब कॉन्सेप्ट देखना है तो वीडियो जो है लिंक आपको प्रोवाइड जरूर करा दूंगा। क्वेश्चन नंबर सेवेंथ बोला है इन द गिवन फिगर, ओके
XA and XB are two tangents to a circle. If angle AXB बराबर 50 degree and AC is parallel to XB, then what is the value of ACB? इस angle का value आपसे पूछा गया है. अब एक चीज देखिए कि question बहुत easy है. इस पे SSC का खैर जो pre-level का जो होता है exam, उसका तो favorite question है. कम से कम 10 बार एक question जरूर पूछ दिया गया होगा. इसका सीधा सीधा answer होता है कि यदि बाहर का angle इस तरह से tangent form करके एक quadrilateral बनाया जाए, तो बाहर का angle given है, तो जो अंदर उसके सामने वाला angle है, उसका answer यानी कि angle C हमेशा होता है 180 minus given angle यानी कि 50 बटा 2 यानी कि कितना जाएगा 130 बटा 2 65 डिग्री इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा. इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने डिस्कस भी किया है आपके ज्योमेट्री का जब सेशन ले रहे थे तब. और यदि आपको इसको थोड़ा सा एक बार और कांसेप्ट देखना चाहते हैं तो चलिए मैं कांसेप्ट दिखा देता हूं आपको कि क्यों ऐसे आता है. यहां से आप क्या कीजिए, सेंटर से टेंजेंट को आप मिला दीजिए तो आपको पता है ये दोनों आपको 90 डिग्री आएंगे. अब इस वाले एंगल क्वाड्रिलेटरल AOBX में यदि आप देखेंगे AOBX में तो एक क्वाड्रिलेटरल हो गया, तो A 90 डिग्री, A 90 डिग्री, A 50 डिग्री, तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 130 डिग्री. अब आप कोड AB जो है सेंटर पे यदि आपको बना रहा है 130 डिग्री का एंगल, तो सर्कमफेरेंस पे कितना बनाएगा, उसका आधा यानी कि 130 बटा 2 65 डिग्री. इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा. तो आपको समझ में आ गया कि क्यों मैंने आपको बोला था 180 माइनस गिवन एंगल बटा में 2 क्यों हमेशा आंसर होता है इसका. बहुत इजी क्वेश्चन है ये. क्वेश्चन नंबर 8th, आठवां क्वेश्चन आपको बोला जा रहा है कि इन द, चलिए हिंदी में पढ़ देता हूं मैं, नीचे दिए गए चित्र में एसपीटी पी पर वृत्त की स्पर्श रेखा है. जैसा कि दिखाया गया है एसपीटी पी पर वृत्त की स्पर्श रेखा है. चलिए केंद्र ओ है, यदि एंगल क्यूपीटी अल्फा है, क्यूपीटी ए वाला एंगल जो है आपको अल्फा दिया गया है, तो एंगल पीओक्यू यानी कि सेंटर पे कितना एंगल बनेगा वो आपको पता करना है. अब आपको एक चीज देखना है कि O से P को यदि मिलाएंगे तो हमेशा परपेंडिकुलर होगा, और एंगल QPT अल्फा है तो इतना वाला एंगल यदि इस ट्रायंगल को मैं बाहर ऐसे दिखलाऊं तो आप देखेंगे कि A वाला एंगल 90 माइनस अल्फा हो जाएगा. सिमिलरली ये दोनों साइड्स बराबर है, इसका मतलब कि ए वाला एंगल क्या हो जाएगा 90 माइनस अल्फा. ए वाला एंगल को मान लेते हैं कि x है. अब त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री, लगा दीजिए x प्लस 180 माइनस 2 अल्फा बराबर 180 गया, x का वैल्यू क्या आ जाएगा 2 अल्फा आ गया. तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन बी 2 अल्फा विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. तो बहुत इजी क्वेश्चन था ये भी. अब हम लोग आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9th को देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 9th क्वेश्चन जो है इस सारे क्वेश्चंस में से सबसे अच्छा क्वेश्चन है. ये क्वेश्चन भी बहुत टफ क्वेश्चन नहीं है, मैं इसको इजी ही बोलूंगा, बट बहुत अच्छा क्वेश्चन इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आप खुद रियलाइज कीजिए. मैं इस सेशन में आपसे एक स्पेशल रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को ट्राई कीजिए. नहीं बन रहा है, कम से कम आप 5 मिनट जरूर इस क्वेश्चन को देखिए. हो सकता है बहुत सारे लोग इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर लेंगे क्योंकि क्वेश्चन इजी है. बहुत सारे लोगों से नहीं बनेगा ये क्वेश्चन एक बार में या दो बार में, तो मैं उनसे जरूर ये रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि वीडियो को पॉज कीजिए. नो मैटर 10 भी मिनट लग रहा है ना, आप जरूर इस क्वेश्चन को दीजिए क्योंकि ये क्वेश्चन आपको बहुत कुछ सिखाएगा. और ये इस क्वेश्चन को मैं सीजीएल मेंस का परफेक्ट क्वेश्चन मानता हूं. इजी है बट कंसेप्चुअल क्वेश्चन है. तो मैं आशा करता हूं कि आप लोग जरूर वीडियो पॉज किए होंगे, ट्राई जरूर किए होंगे. चलिए मैं अब इसका सॉल्यूशन देता हूं. क्वेश्चन क्या बोला गया है कि दिए गए चित्र में दो बराबर जीवाएं बिंदु, चलिए मैं इसको पहले पॉइंट कर देता हूं कि कौन-कौन सा पॉइंट है, पहले पॉइंट लिख देता हूं इसका. तो चलिए सॉरी, मैंने यहां पे जो बिंदु, कौन सी बिंदु क्या है, मैंने डिनोट नहीं किया था, तो आप लोगों के लिए थोड़ा सा मुश्किल जरूर हुआ होगा कि क्या बोल रहा है, कुछ दिया तो है नहीं, क्यों बोल रहा है कि खुद ट्राई करो. तो अब आप जरूर ट्राई कीजिए, ठीक है.
अब ट्राई कीजिए क्योंकि अब आपको पूरा गिवन एग्जैक्ट डेटा दिया गया है। चलिए मैं अब इसका सॉल्यूशन देता हूँ। नीचे दिए गए चित्र में दो बराबर जीवाएं बिंदु पी पर काटती है, जैसा कि दिया गया है ए बी और सी डी दो जीवाएं जो है पी पे कटती है। ए बी और सी डी का लेंथ 10 सेंटीमीटर, यानी कि दोनों जीवाओं का लेंथ बराबर जो दिया गया है वो 10 सेंटीमीटर है। ओ सी जो है 13 सेंटीमीटर, यानी कि जो ए वाला जो ओ सी है, ओ सी कहने का मतलब कि आपका रेडियस है, रेडियस कितना दिया गया है 13 सेंटीमीटर का दिया गया है। अब आपसे पूछ रहा है, और पी बी का लेंथ, पी बी का लेंथ ए वाला लेंथ जो है आपको 3 सेंटीमीटर दिया गया है, जहां ओ वृत्त का केंद्र बिंदु है, ओ पी की लंबाई आपसे पूछा गया है। अब यहां पे आप क्या क्या कर सकते हैं, देखिए यहां पे कर सकते हैं क्या कि ए पी बी यदि 3 है और पूरा ए बी यदि 10 है तो ए पी का लेंथ क्या हो जाएगा 7। अब आपको ये चीज पता चल गया होगा कि जीवा की कटान बिंदु पे एक थ्योरम जरूर हुआ करता था। कैसे कि ए दो जीवाएं कट रही है, ए मान लेते हैं पी है, ए बी सी डी, तो ए पी इंटू पी बी बराबर सी पी इंटू पी डी, ये थ्योरम आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। इसको देखते हुए ही वही यूज करेंगे हम यहाँ पे। बट ए वाला थ्योरम यदि हम लोग यूज करते हैं तो पाएंगे कि भैया ए बी सी डी दो जीवा है, तो ए और इतना लेंथ दिया गया है, यदि इतना और इतना लेंथ भी निकाल लेते हैं तो हमको कोई कंक्लूजन तो नहीं मिल रहा है, क्योंकि फाइनली हमको निकालना क्या है, ओ पी का लेंथ निकालना है, तो इससे कोई हमको फर्क या कोई सहायता तो नहीं हो रहा है। तो सहायता लेने के लिए यहाँ पे क्या करना होगा, हम लोगों को अपनी तरफ से एक क्या देना होगा, अपनी तरफ से एक कंस्ट्रक्शन देना होगा। क्या कंस्ट्रक्शन देना होगा वो चलिए मैं दिखाता हूं कि आपको निकालना है ओपी का लेंथ, तो क्यों ना हम सर्कमफ्रेंस से इसको जो है पूरा डायमीटर ही बना देते हैं। यहां से यहां पे पी को मान लेते हैं हमने मिला दिया क्यू से। चलिए अब आपके पास दो कॉर्ड आ गया, दोनों कॉर्ड का जो कॉम्पोनेंट है वो आपको पता है। हम मान लेते हैं कि जो ए वाला पी क्यू का लेंथ है उसको कुछ मान लेते हैं, नहीं तो आपको निकालना है ओ पी का लेंथ, ओ पी को हम लोग क्या करते हैं ए मान लेते हैं। तो पूरा रेडियस जो है ओ क्यू, एक रेडियस 13 है, इसका मतलब कि पी क्यू का लेंथ क्या आ जाएगा 13 माइनस ए। सिमिलरली यदि यहाँ से आप हम लोग ले लेते हैं एम, एम पी का लेंथ यदि आप निकाले तो पूरे 26 है, या ए 13 है और ए ए है, तो एम पी का लेंथ 13 प्लस ए आ जाएगा। अब देखिए दोनों में आपका कॉर्ड का कटान बिंदु वाला थ्योरम लग सकता है। कैसे, पहले तो आप ए पी गुना पी बी बराबर लिख सकते हैं एम पी गुना पी क्यू, आराम से लिख सकते हैं। अब देखिए ए पी गुना पी बी 21 आएगा क्योंकि 3 और 7 है, एम पी का वैल्यू 13 प्लस ए, पी क्यू का वैल्यू 13 माइनस ए, इसका मतलब कि 169 माइनस ए स्क्वायर बराबर 21। अब यहाँ से देखिए ए स्क्वायर का वैल्यू कितना आ जाएगा, उधर जाएगा 169 में से 21 जाएगा, तो क्या बच जाएगा आपके पास 148 बच जाएगा। तो ए स्क्वायर का वैल्यू 148 को आप 4 गुने 4 तिहाई 12, 4 सत्ते 28 लिख सकते हैं, यानी कि ए का वैल्यू आ गया 2√37। तो इस ए का वैल्यू कितना आ जाएगा 2√37, ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ए क्वेश्चन जो है अच्छा क्वेश्चन था, बट स्टिल इजी क्वेश्चन था। तो इस तरह से ये था हमारा आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन। और एक और जो आप लोग का चीज है कि भैया बहुत सारे कमेंट्स आते हैं गेम्स एंड रेसेस का वीडियो बनाएं, मैं जरूर लाऊंगा, आप लोग थोड़ा सा पेशेंस रखिए, थोड़ा सा हमको भी टाइम दीजिए। बहुत सारे कमेंट्स आप लोग के आ रहे हैं कि गेम्स एंड रेसेस का वीडियो बनाओ, एक वीडियो और मैं डेली क्विज का लाऊंगा, थोड़ा सा समय जरूर दीजिए, मैं वर्किंग हूँ, इतना भी मेरे पास फ्री समय नहीं मिलता है। अब आप लोग बोलेंगे फ्री समय नहीं मिलता है तो भाई डेली क्विज तो डाल रहे हो, गेम्स एंड रेसेस क्यों नहीं डाल रहे हो, तो इसका रीज़न है गेम्स एंड रेसेस एक चैप्टर है, एक डेली क्विज है, किसी भी चैप्टर को पढ़ाने में ज़्यादा समय लगता है, ये चीज़ आप दिमाग में नोट करके रखिए। डेली क्विज
क्वेश्चन उठाना है, सॉल्यूशन तो पता ही है, आपको सॉल्यूशन दे देंगे, 3-4 घंटे में काम तमाम हो जाता है। लेकिन जब किसी टॉपिक को मैं आपको एक्सप्लेन करूं तो उस टॉपिक के लिए एक चीज़ के लिए तीन चार तरह के कॉन्सेप्ट होते हैं, उस पर काम करता हूँ, उस पर मैं देखता हूँ कि कौन सा अप्रोच आपके लिए ईजी होगा समझना और कौन सा अप्रोच जो है आपके लिए टाइम एफिशिएंट होगा, तो उस पर मैं खुद ही ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ता हूँ तब जाके आप लोगों के लिए वीडियो लेकर के आता हूँ। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा पेशेंस रखिए, मैं ज़रूर लाऊंगा। शुरू इसीलिए किया था, ऐसा नहीं कि मेरे को कोई कोचिंग चलाना है कि भाई अपना प्रचार कर लूँ और मैं भाग जाऊँ, ऐसा कुछ नहीं है, फ्यूचर किसने जाना है, बट मुझे अभी कुछ ऐसा नहीं है कि मैं अपना प्रमोशन के लिए ऐसे वीडियो डाल रहा हूँ, तो थोड़ा सा पेशेंस ज़रूर रखेंगे आप लोग, पता है आप हमको कि इतना टाइम जरूर देंगे। तो चलिए सेशन को क्लोज करते हैं। सेशन क्लोज करने से पहले पढ़ाई पे ध्यान रखिए, रेगुलर जरूर रहिए, कभी भी डिसकंटिन्यू मत कीजिए, ज़्यादा नहीं तो डेली 3-4 घंटे, चाहे एग्ज़ाम हो या ना हो, 4-5 घंटे, चाहे जितना आपसे निकल पा रहा है, ज़रूर एग्ज़ाम के प्रति आप थोड़ा सा रेगुलर रहिए। रेगुलरिटी से होगा कि आपको जो रिवीजन वाला चीज़ है ना, जो बहुत सारे चीज़ भूल जाएंगे, उससे आप वंचित नहीं हो पाएंगे, वो आपको फिर से जो होता है फ्रेश स्टार्ट नहीं करना पड़ेगा। तो ज़रूर रेगुलर रहिए, लाइक कमेंट शेयर, करने का मन हो तो करो, ना करने का मन हो कोई बात नहीं है, तुम खुश हो तो तुमसे ज़्यादा हम भी खुश ज़रूर हैं। तो चलिए तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग, प्रैक्टिस करते रहिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए और मस्त रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।